शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को भक्तों ने माता दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की पूजा बड़े ही धूमधाम से की। हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का बहुत महत्व माना गया है। जब महागौरी की उत्पत्ति हुई उस समय उनकी उम्र 8 वर्ष थी, इसलिए इनकी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। ये देवी सदा सुख और शांति देती हैं, अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, इसलिए माँ के भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और अर्चना करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। महागौरी का वर्ण सफ़ेद है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज युक्त माता महागौरी का दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। महाअष्टमी के माता दुर्गा के दर्शन एवं पूजा अर्चना को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मनोकामनाएं माई दुर्गा बाग मंदिर में जुटनी शुरू हो गई है और महाअष्टमी में विशेष रूप से पूजा अर्चना एवं मैया के दरबार में मन्नतें मांगने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर महिला श्रद्धालुओं ने महाअष्टमी का उपवास रख देवी के दरबार में महागौरी की पूजा अर्चना की तथा सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी उक्त मंदिर में पहुंचकर भक्ति भाव से मां की पूजा की और सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि हम देशवासी जिलावासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं, मैया सबको सुख समृद्धि प्रदान करें और शांति बनाए। इस पूजा के साथ ही दशहरे का रंग परवान चढ़ने लगा है। उक्त दुर्गा मंदिर बाग परिसर में भक्तों के खचाखच भरा पड़ा है। भक्तों ने नारियल फूल माला चुनरी और मिठाइयाँ चढ़ाकर माता की पूजा अर्चना की। लोगों का वो मानना है कि जो भी मन्नतें यहाँ मन से मांगी जाती हैं माँ उसे पूरा करती हैं। अष्टघाटी की पूजा हो रही है, आज अष्टमी तिथि है। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरे बिहार के सब लोगों को सद्बुद्धि दे और बिहार का विकास हो और हमारे चंपारण का विकास हो, यही हमारी सबसे बड़ी माता से प्रार्थना है।